जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने लगी हैं जी। मैं आपको बाहर से घर दिखाता हूं और ये देख लें जी, ठीक है। इसमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं। ये आप बोल रहे हैं कि हमारा ही घर है, तो देख लें जी, ठीक है। इसकी वीडियो तो मैं एक अलग से बनाकर लगा दूंगा। इस सोलर सिस्टम बहरहाल आपको बताऊंगा, ये तमाम परदेसी भाइयों को खासकर कि भाई इस वक्त हम सोलर सिस्टम अगर लगाते हैं, एक सिंपल सा कितने केवी का बोल रहे हैं आप या कितने वाट का, वो मैं इसमें इंस्टॉल करवाने लगाऊँ, तो उसके लिए क्या है जी, क्या कुछ हमें चाहिए और कितना खर्चा आएगा, ठीक है। एक तो लुक देख लें जी, और दूसरा ये स्टैंड है जी, एक ये स्टैंड ली है। उसके बाद जो अभी इंतज़ार हो रहा है जी, वो जिसने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है उन भाई साहब का। अच्छा, ये एक पैनल पड़ा हुआ पीछे देख लें, ये इनब्रिक्स वालों का है ओरिजिनल, और ये 550 वाट का है जी, ठीक है। ये UPS पड़ा हुआ है, ये वाला 1000 वाट का, ये साथ में वायर वगैरह है। ये इस वक्त इधर पड़ा हुआ जी, फनटेक्स वालों का देख लें जी। ये कंट्रोलर है, ठीक है, और डिजिटल है जी, LCD वगैरह इंस्टॉल है इसमें। और एक आप बैटरी बोल रहे हैं, जिससे बैटरी हम बोलते हैं जी ट्यूबलेस बैटरी, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। हाँ, इसको बॉक्स से जब निकालेंगे, वो साका वालों की है देख लें, इसको जब बॉक्स से निकालेंगे तो उस टाइम इंशाल्लाह फिर आपको मैं इसका कंप्लीट दिखा दूंगा। अभी ये देख लें, ये इसके ऊपर जो ट्यूबलेस सिस्टम वाला होता है। तो बहरहाल जी, ये देखते हैं कितने का हमारा ये इंस्टॉल होता है। एक हम पैनल लगवा रहे हैं जी, इसमें पैनल है जी 550 वाट का इनब्रिक्स का। एक ट्यूबलेस बैटरी है बड़े वाली, कितने के लिए पैनल, कितने का लिया, खर्चा कितना हुआ, ये आपको मैं फिर बैठकर बता देता हूँ। मैं अभी वेट हो रहा है जी भाई साहब का, जिनसे लगवाना है, तो आए और काम शुरू करें जी। तो ये पैनल अभी लग चुका है, नीचे काम जारी है, मैं आपको दिखाता हूँ पैनल देख लें जी, ठीक है पूरा। और ये 550 वाट का इनब्रिक्स वालों का मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, ओरिजिनल है जी, ये चीज़ देख लें, ठीक है, ये शीशे के अंदर है चीज़, ठीक है, ये देख लें जी, ऊपर नहीं, स्टिकर नहीं है, शीशे के अंदर बकायदा स्टैंप होती है, ये ओरिजिनल की ये निशानी है। अच्छा, वायर ये इधर से फिर लेकर गए हैं, इधर से अंदर नीचे कहाँ निकली मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारी सलाह बनी थी कि वायर लेकर जाएं इधर से बाहर और उस तरफ गेट की तरफ, गेट से फिर अंदर, लेकिन वो वायर छोटी हो रही थी, जोड़ लगाना पड़ रहा था, तो फिर अभी यही समझा कि उधर से इंटर करते हैं। इधर निकाली है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ निकाली है ये, और यहाँ से सीधी नीचे, और यहाँ पर एल्फी लगा कर ना, फिर एल्फी लगा कर उधर चिपका दी है, ये इस तरफ बैटरी है जी, देख लें बैटरी बड़ी ली है ये उसाका वालों की, ट्यूबलेस 1800, और UPS 1000 वाट का वो कंट्रोलर है। और ये अभी बार उधर उसके अंदर फिट करेंगे, फिर आपको आगे दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख लें जी, एक बैटरी उसाका वालों की, और इसमें कनेक्शन हो चुका है, नीचे देख लें UPS एंड साथ में ब्रेकर। अच्छा, ये ब्रेकर अभी बाहर मार्केट से मंगवाया है, साथ में ब्रेकर लगा दिया है, और साथ में UPS ऑन है जी इस वक्त, एंड कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर को एक दीवार के ऊपर अभी मैंने बोला है उसको कि यहाँ से यार उठा और इसको दीवार के ऊपर लगा, तो बहरहाल सिस्टम चालू है। बाकी मैं आपको कॉस्ट इसकी बताता हूँ, यानी कि कितने का लगा यार वो जी। भाई, तो आपने सोलर के मुतालिक वीडियो देख रही, मैं अभी आपको सिंपली इस चीज़ के ऊपर कितना खर्चा हुआ वो मैं लिख रखा था बैठे हुए। तो बहरहाल जी, अगर सिस्टम आपने देख लिया, ये सिंपल सा सिस्टम है, एक पैनल यानी कि लगवाया है 550 वाट का। उससे ये होता है कि आपके घर के 2-3 फैन भी एक साथ चलेंगे, 2-3 लाइटें भी आप चला सकते हैं, उसके अलावा आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। और ये जो ट्यूबलेस बैटरी है 1800 पावर वाली, ये तकरीबन 35 से 40 प्लेट्स बनती हैं। अक्सर आपने पाकिस्तान में देखा होगा ना, प्लेट्स वाली 15 प्लेट, 21 प्लेट, 23 प्लेट, 27 प्लेट वाली बैटरी होती हैं,
तो इस हिसाब से ये 35 से 40 प्लेट्स बनती हैं, ये ट्यूबलर जो बैटरी आपको दिखाई है मैंने उसाका वालों की। अच्छा, इसमें ये बैटरी में चार ज्योति रखेंगे उससे, और रात को आपके अगर दो फैन चलते रहें, दो लाइट्स भी चलती रहें, तब भी ये सारी रात चलेगी, ये खत्म नहीं होगी, आपको रात को भी बैकअप अच्छा मिलेगा। हाँ, इसी के ऊपर जो यूपीएस साथ में लगाया हुआ, ये मैं आपको फैसिलिटीज इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर हम कौन कौन सी सहूलियत दे सकते हैं इस सिस्टम से, जो यूपीएस साथ में लगाया हुआ है, इससे भाई वॉशिंग मशीन चलेगी, ड्रायर मशीन चलेगी, जूसर मशीन चलेगी, और LCD वगैरह चलेगी, और पंखे चल जाएंगे, और एग्जॉस्ट फैन चल जाएंगे बिजली वाले, सोलर के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। और भाई हो सकता है वो बंदा बोल रहा था जिसे यूपीएस बनाया, वो बोल रहा था इसके ऊपर आप इस्त्री भी चला सकते हैं, कपड़े इस्त्री करने वाली आयरन जो होती है वो भी चला सकते हैं। बहरहाल वो तो अभी तजर्बा होगा तो पता चलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर खर्चा कितना होगा। इसके ऊपर देखें, सोलर पैनल जो है ये 550 वाट वाला लिया हमने, ये 52,000 में मिला है। अच्छा, ये 70 या 75 हज़ार से नीचे आया, इनवर्क्स का ओरिजिनल है, ठीक है, 75 हज़ार से ये अभी नीचे आए हैं, और ये 52,000 का हमें मिला है 550 वाट वाला। और अगर बात करें जी वायर वगैरह की, जो तार वगैरह डाली हुई है, तो वो तकरीबन 5,000 की बनती है। एंड अगर यूपीएस की बात करें, यूपीएस 1,000 पावर वाला कॉपर में बनाया है, ये एक होता है सिल्वर कॉपर, एक कॉपर होती है, और ये प्योर कॉपर में बना हुआ है, 22,000 का ये बना था हमारा। अगर कंट्रोलर की बात करें तो ये कंट्रोलर जो साथ में लगा हुआ है, अच्छा अगर सिंपल दो प्लेट आप लगाते हैं नीचे, मैंने घर में जैसे कि खुद के अपने घर में एक लगवाया हुआ है, दो प्लेट रखी हुई है, उसके साथ 21 प्लेट वाली बैटरी रखी हुई है, एक सिस्टम में दो प्लेट्स रखी हुई है, 15 प्लेट वाली बैटरी रखी हुई है। अच्छा, दो प्लेट्स अगर आप लगाते हैं तो उसके नीचे जो आप कंट्रोलर लगाते हैं ना, वो तो सिंपल मिल जाता है 1500-2000 रुपए का, ठीक है जी। यहाँ पर आपको शायद उसकी एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ मैं। अगर इस कंट्रोलर की बात करें तो ये भाई इसके नीचे 24 ये 24 वोल्ट प्रोवाइड करता है, ये बड़ा पैनल होता है ना, इसके नीचे या तो दो बैटरी रखनी पड़ती हैं या एक ट्यूबलर बैटरी रखनी पड़ती है, तो इसके जो कंट्रोलर होता है वो भी भाई थोड़ा हैवी लगाना पड़ता है, और इसीलिए ये हमने यूज़ किया। और ये था जी 17,000 रुपये का, लाहौर से पाकिस्तानी लाहौर के रेट की मार्केट के रेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बैटरी की बात करें, जो मैंने आपको बताई ट्यूबलर बैटरी उसाका वालों की 1800 mAh, एंड इसकी अगर बात करें, सॉरी 1800 पावर वाली, और इसकी अगर बात करें तो ये 54,000 की है जी, ठीक है जी, 50,000-4,000 यानी 50,000-4,000 कैसे बोल रहा हूँ मैं, 54,000 ही बोलेंगे, और 54,000 की ये है जी। अगर मजदूरी वगैरह की बात करें तो ऊपर एक ब्रेकर हमने साथ में इजाफी लगाया, और कुछ चीज़ें ऐसे टर्मिनल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें ली, तकरीबन 4,000-5,000 ये खर्चा हुआ। अगर टोटल की हम बात करें इस चीज़ के ऊपर, तो 1,55,000 यानी कि 1,50,000 से लेकर 1,60,000 अराउंड में आपका ये सिस्टम लग जाएगा। इसमें आप भाई मैंने आपको बता दिया, आप दिन का टाइम 2-3 पंखे, 4-5-7 लाइटें, साथ में बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, रात को आपको बैकअप बैटरी देगी, आपके दोनों फैन सारी रात चलेंगे DC-AC, और उसके अलावा दो लाइट्स वगैरह भी चल सकती हैं। दिन के टाइम आप अगर पंखे बंद करते हैं, एक पंखा आपका चलता भी रहे, उसके अलावा आप इसके ऊपर अपनी वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन वगैरह, या जूसर मशीन, या LCD, या एग्जॉस्ट फैन वगैरह, या बिजली वाले पंखे, कुछ भी चला सकते हैं।